भारतीय सेना ने भारत में हमले की कोशिश को लेकर एक खुलासा किया है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय पोस्ट पर हमले के लिए पाकिस्तान के एक कर्नल ने आतंकवादियों को 30,000 रुपये दिए थे। सेना के सामने इस बात का खुलासा एक गिरफ्तार आतंकी ने किया था, जिसे बाद में मानवीय आधार पर सीमा के उस पार भेज दिया गया था। वहीं बीते कुछ दिनों में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों द्वारा सीमा रेखा पार करने की तमाम कोशिशों को विफल करते हुए एक आतंकी को गिरफ्तार किया था, जब लैंडमाइन धमाके में 2 आतंकवादी मारे गए थे।